तक मार्केट क्रॉस कर दी है यहाँ की भद्रवाह की। सो मैं कम ही दिखा पा रहा हूँ, मुझे पता ही लगा मार्केट कब क्रॉस हुई, मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था। सो ये छोटा सा ब्रिज निकला है, सो निकल के क्रॉस करते हैं और चलते हैं आगे वाली साइड। सो भाई साहब मज़ा आ रहा है, भद्रवाह भी घूम लिया भाई, भद्रवाह फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, भद्रवाह भी आ गया हूँ मैं भाई। जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ना, भद्रवाह, डोडा, अभी डोडा शायद डोडा निकले, किस तरह निकले मुझे कुछ नहीं पता, बट जहाँ पे निकलेंगे ना वहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ। बट डोद तक आया हूँ, डोद के आगे आगे नहीं आया हूँ। सो यहाँ से निकलते हैं यार, टी उतार दी अपनी। सो ये सिंगल में चल रहा हूँ क्योंकि पीछे बर्फ़ थी, आगे बर्फ़ आई नहीं अब। सो बर्फ़ जो थी वो निकल गई है पीछे। सो चलते हैं गाइस, हम ना हवा डलवाएंगे अभी, कितनी है देखना पहले ये, ठीक है ये कितनी है, ये ठीक है फिर पीछे वाली भरो, अगली वाली टायर की ठीक है। कहाँ पे है, करो पीछे, रुको कितनी है पहले पहले बताओ कितनी है, 10 थी, एक सेकंड रुकना, आगे पीछे करो थोड़ा। इसका ना ये मिल गया, तो यहाँ पे हमें शॉप मिल गई तब से मिल रही थी, तो यहाँ पे हवा हवा फिल करवा रहे हैं। सो देखते हैं भाई, हवा हवा फिल करवा लेते हैं भैया पिछले वाले टायर पे। भैया एक्चुअली चक्कर पता क्या, अलॉय थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था और ऊपर से आ रहे थे। अभी कितनी हवा इसमें भैया, भाई 10, हाँ अब भर लो या आराम से भर लो, कोई चक्कर नहीं। सो भाई 10 हवा थी, सोचो 10 हवा पिछले टायर में और दो बंदे बैठे हैं भाई, क्या हालत हो जाएगी भाई। चलो भैया वगैरह मिलते हैं अभी, अभी टायर में हवा वो फील करवाते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से सीधे। कितनी हुई अब, लीक नहीं हो रही, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, ये हवा लीक हो रही है फिर से, यहाँ से ही हो रही है बस। अलॉय खराब हो गया ना, बैंड हो गया, हवा चेक कर दो बस, कितनी है, बहुत है बहुत है बहुत है, निकल जाएगी हवा यहाँ से। यार पंचर तो हो नहीं होगा, चेन लूप तो मिल नहीं सकता, सो ऑयल ही मार देते हैं हम। ले घुमा 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 घुमा। बस अभी हमने ना जो पहले जैसे पहले चेन को ऑयल लगाते ना, हमने पहले वाला ऑयल लगा लिया, सो ये चेक करो, अभी लगा लिया, अब ठीक है ना वरुण भाई टायर, ठीक है ना अब कंफर्टेबल, अब डर भी नहीं लग रहा। सो यार थैंक गॉड कि अभी टायर सेट बैठा है। सो निकलते हैं यहाँ से, हाँ आगे रोड ख़राब नहीं होना चाहिए, बस निकलते हैं फुल पावर और जल्द से जल्द कवर करते हैं अपना डिस्टेंस। ठीक है, कुछ खाने के लिए मिल रहा है यहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है भाई। कश्मीरी रोटी है, कश्मीरी रोटी है, दे दो भैया, कितने की है, दे दो दे दो फिर, ये 20 रुपये है मेरे पास, ये लो। सो भाई साहब कश्मीरी रोटी मिल गई हमको खाने के लिए, थैंक यू सर। हम पहले आगे चले गए थे, फिर मैंने सोचा मैंने बोला कश्मीरी रोटी है ये है। आप कहाँ से हो? हम जम्मू से, जम्मू के ब्लॉग हो, हाँ ये लो, आराम से जाना, ठीक है ठीक है भाई। मैंने खाई हुई है पहले, बहुत टेस्ट होती है। ये है भद्रवाह की मार्केट, सो ये चेक कर रहे हो, ये चेक करो, ओए रॉन्ग साइड आ गए बे, रॉन्ग साइड है ना ये, पीछे देखना पीछे देखना, सफाई हम रॉन्ग साइड आ गए, रास्ता यही आ रहा ना। थैंक यू भैया, बड़े दिन हो गए बाइक खींचे हुए कसम से, बहुत दिन हो गए, अभी रोड खुला खुला मिल रहा है मेरे को, सो खींचने का मन कर रहा है। हाँ सो रोड चेक करो भाई, इस हमें भी सुना था डोडो में रोड ख़राब है, हम तो मजाक ले रहे थे बट सच में ख़राब है रोड। सो ये देख रहे हो, सो ये देख रहे हो ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है, सो ये ऊपर पुल बन रहा है शायद, हाँ खतरनाक रोड, आगे आगे मैं दिखा नहीं सकता आपको पर जितना दिखा रहा है, बट ऊपर से पुल बन रहा है जो शॉर्टकट निकल जाएगा, पुल शायद पुल बना रहे हैं ऊपर से, और चलते हैं गाइस क्या करना है। अभी क्रॉस कर लिया, डोडा भी क्रॉस कर लिया,
सो अभी हम जा रहे हैं बडोत वाली साइड। पहले चला रहे वरुण भाई बाइक, अभी मैं आ गया हूँ बाइक पर। सो चेंजिंग कर रहे हैं, कभी कभी मैं थक जाता हूँ, कभी कभी ये थक जाता है। वो पीछे रह गया ये डोडा हसर, हसर बोल रहे हैं, हसर कोई जगह का नाम है। तो यहाँ से बडोत पता नहीं कितने किलोमीटर है, जितना ही किलोमीटर होगा जल्द से जल्द कवर कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, कम से कम भी 2 बजने वाले होंगे शायद, नहीं 1 बज गया। सो 1 बज गया। प्लीज़ डोडा की प्लीज़ के नाका लगाओ यहाँ पे। तो अभी तक डोडा क्रॉस भी नहीं किया हमने, सोच रहे हो? शायद डोडा पुलिस की लास्ट चौंकी थी तो हमने क्रॉस कर लिया। सो लेट्स सी आगे देखते हैं कैसे बनता है। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंचे कुछ इस जगह लोकेशन पे। सो गाइस ये देख रहे हो साइड साइड में, सो बहुत सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, सारी गाड़ी यहाँ पे लगी हुई हैं। सो भाई यहाँ पे मैंने बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता ही होता है, वो मुझे ना ठंड लगना स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि हम कर चुके हैं बडोत एंटर। सो बडोत पहुँचने वाले हैं। सो लेट्स सी देखते हैं क्या सीन बनता है। कब से चल रहे हैं हम, थक गए हैं, कभी वरुण भाई चला रहा है, कभी मैं चला रहा हूँ, इसलिए क्या करना है। हम घर से चले थे कसम से 7:30 सुबह के 7:30 चले थे, अभी तक 1 बज गया। अभी हम 2 या 3 जगह पर रुके हैं, वो 5-5 मिनट के लिए। तो सोच सकते हो कितना टाइम लगता है यहाँ से वहाँ आने के लिए। सो देखते हैं आगे से क्या सीन बनता है यार। ऐसा हम पहुँचे हैं नेशनल टनल के पास। सो काफ़ी ज़्यादा वेट किया, अभी कम से कम भी ना 2 बजे पहुँचे हम यहाँ पे, 2 बजे। तो सोच सकते हो नैनी टनल के पास पहुँच गए हैं। सो 2 घंटे लगे, सो पता नहीं कितने घंटे लगे हैं, 2 बज चुके हैं। तो इसी हिसाब से देख दो कितने घंटे पर लगे हुए हैं, 8 बजे से चले हैं हम। सो 6:30 लग गए हैं कसम से। सो 6:30 लग चुके हैं, कितनी रहेगा। सो लास्ट टाइम मैं बाइक लेके आया था इसमें। वाह भाई, सुपर बाइक तो नहीं है, यही है। सो टनल के अंदर ना स्मोक बहुत हुआ हुआ क्योंकि पोल्यूशन हुआ हुआ टनल के अंदर। सो मैं क्या बताऊँ, बस इंजॉय करो इंजॉय। सो लाइटिंग भी पूरी क्लियर आ रही है अंदर। ओ भाई भाई, ये कम से कम भी बोलते हैं 8.5-9 किलोमीटर का। सो देखते क्या सीन बनता है भाई, ये देख रहे हो नेशनल टनल। सो लॉन्गेस्ट टनल है हमारे जम्मू का। सो आगे भी बन रहे हैं शायद इससे भी बड़े बड़े टनल, तो अभी तक तो यही है हमारे जम्मू का सबसे बड़ा टनल। सो ये चेक दिस आउट भाई, टाइम लेफ्ट लगा रहा हूँ, टाइम लेफ्ट में इंजॉय करना पूरा। टनल खत्म हो जाए मैं टाइम लेफ्ट ऑफ कर दूँगा, अभी मैं टाइम लेफ्ट लगा रहा हूँ, टाइम लेफ्ट इंजॉय करो। अभी एक टनल खत्म होने वाला है। सो लेफ्ट आपने भी इंजॉय किया होगा, मैंने भी इंजॉय कर ही लिया है। सो यार थक चुका हूँ कसम से, 10 किलोमीटर या शायद 9 किलोमीटर का ये टनल है। सो अभी हम बाहर निकल रहे हैं, कब से मैं तो देख रहा हूँ कि क्लाउड नहीं मिल रहे, मेरे क्लाउड नहीं मिल रहे। सो अभी भाई अंदर ना थोड़ी बाइक चलाना मुश्किल काम है। ओहो टनल खत्म टनल भाई बुरी हालत हो गई अंदर टनल की। सो ऐसा लग रहा है, देखो मेरी आँख भी ना बंद हो रही है अब यार, अभी आँख भी बंद हो रही है, अंदर अंधेरा था ना। सो लाइटें लुटे लगी हुई थी, सो अभी आँख भी बंद हो रही है। देखो हमारा पछवाड़ा फट गया, इसका भी पछवाड़ा फट गया कसम से। थक चुके हैं कसम से, मैं बता नहीं सकता क्या कैसे थके कैसे नहीं। सो हमने पटिंडा जाना, हम पटिंडा भी नहीं जा पा रहे क्योंकि घर से कॉल्स आ रही है कि घर पे आ जाओ। सो हम पता नहीं कौन से पहाड़ से आ रहे हैं कौन से नहीं। हम सोचते थे ना हमारे घर से कि ये वाले पहाड़ में जाना, वो वाले पहाड़ में जाना, बट हम पता नहीं चल रहा वो वाले बर्फ पड़ रही है, हम बस सामने वाला बर्फ वाला हम गए हुए हैं, बस सामने बर्फ पड़ी हुई है हम वहाँ गए हुए हैं, हम बस यही बता सकते हैं। हमें नहीं पता हम यहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं, दैट्स इट। गाइस अभी हम निकल चुके हैं मंथल से, हमने खाया चिकन। सो जिसने भी खाना हो ना, तो सोनू नॉनवेज शॉप होगी वहाँ पे, वहाँ से खा लेना, लो बजट में खाना है और हमको अच्छा लगा। सो हमने खाया वहाँ से, बहुत टेस्टी खाना था कसम से। जिसने भी खाना हो ना, अगर भैया बोल रहे थे जो भी आना चाहता है तो वेलकम है आपका। सो बहुत अच्छा खाना लगा यार। सो अभी मैं राइड कर रहा हूँ, अभी ना थोड़ी पावर आई है, पहले मैं पूरा टोटली थक चुका था क्योंकि सुबह से चल रहे थे, कुछ खाया नहीं था। तो अभी लगभग 3:30 हो रहे हैं। सो सीधा घर पर जाके स्टॉप ब्रेक मारनी है सीधा घर पर ही।
फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए घर पे। सो भाई घर का गेट खोलो यार, मेरे पास हिम्मत नहीं है यार। आया भाई बाइकों की हाल देख रहे हो भाई, बाइक का हाल देखना। ये लगी है वरुण भाई की हसीना जो हम लेके ही नहीं गए थे, सो ये देखना। ओ भाई थक गया यार।